पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में घिरे पहाड़। शिमला, मनाली, उत्तरकाशी में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों पर फिर लौटी ठंड, शीतलहर की चपेट में दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली में 10 डिग्री से नीचे गिरा टेम्परेचर, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। दिल्ली के रैन बसेरों में भीड़, काले खामे आग के सहारे मजदूरों ने काटी रात। आज वंदे भारत वाईजेक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिकंदराबाद और वाईजेक के बीच चलेगी ट्रेन, वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे पीएम। जोशीमठ में काम कर रही एजेंसियों को मीडिया से बातचीत करने पर रोक, कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, सूचना पहुंचाने वालों की आवाज ना दबाएं। इसरो ने वेबसाइट से हटाई जोशीमठ की रिपोर्ट, रिपोर्ट में 8 सेंटीमीटर क्रैक का जिक्र था। इसरो की रिपोर्ट हटाए जाने से उत्तराखंड के मंत्री नाराज, धन सिंह रावत बोले हमने इसरो से आधिकारिक बयान जारी करने को कहा। मंत्री धन सिंह रावत ने पीड़ितों को दिया आश्वासन, जहां जहां दिक्कत है वहां वहां होगा सर्वे। जोशीमठ में तेजी से जारी है मकानों के सर्वे के काम, ध्वस्तीकरण भी तेज। जोशीमठ में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सक्रिय, अगले 10 दिनों में 3500 मकानों का सर्वे। जोशीमठ में खाली कराए गए होटल्स को तोड़ने का काम जारी है, दरार नापने के लिए क्रैकोमीटर लगाया गया। जोशीमठ में बने सबसे लंबे रोपवे बिल्डिंग में भी आई दरार, ऑपरेशन ठप। जोशीमठ का जियोफिजिकल सर्वे करवा सकता है एनडीएमए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी कुछ इलाकों में दरार, अधिकारियों ने कहा की जा रही है जांच। 3 गांव के 32 मकानों में दरार है, कुछ मंदिरों के अस्तित्व पर भी खतरा है। अधिकारियों का दावा, जिन मकानों में आई दरार उनका कराया जा चुका है सर्वे, रिपोर्ट का इंतजार। मनीष सिसोदिया को ऑफिस में सीबीआई का छापा, कंप्यूटर सीज। सीबीआई सूत्रों का दावा, सिसोदिया के ऑफिस पर नहीं की गई रेड, सिर्फ जांच के लिए गए थे। सीबीआई एक्शन पर बढ़ गई आम आदमी पार्टी, संजय सिंह बोले डरा धमका रही है बीजेपी। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का आरोप, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की मिल रही है सजा। आम आदमी पार्टी का दावा, छापेमारी सीबीआई के हाथ खाली, हमने नहीं किया कोई भ्रष्टाचार। पंजाब के जालंधर में आज सुबह 11 बजे से फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन से राहुल गांधी ने रोक दी थी यात्रा, जालंधर में ही रात्रि विश्राम करेंगे यात्री। राहुल गांधी को जिंद कहने पर ओवैसी पर भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा ने कहा बंद करें ओवैसी। पवन खेड़ा ने ओवैसी को बताया नफरत का स्मगलर, कहा प्यार बांट रहे हैं राहुल। बैतूल में कमलनाथ की गाड़ी के नीचे फंसा कांग्रेस कार्यकर्ता, बाल बाल बची जान। दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध खालिस्तानियों को किया है गिरफ्तार, जहांगीरपुरी से इनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं गंगा विलास क्रूज काशी से चलकर पहुंचा गाजीपुर, डीएम ने माला पहनाकर स्वागत किया। भव्य स्वागत और सुरक्षा व्यवस्था देखकर खुश हुए सैलानी, प्रशासन ने ओडीओपी प्रोडक्ट जूट वॉल हैंगिंग किया गिफ्ट। ई रिक्शा की सवारी कर सैलानियों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस मकबरे का किया दीदार। धोबिया और प्रयागराज के घड़िया नृत्य संगीत का भी सैलानियों ने उठाया लुत्फ, खुश दिखे विदेशी सैलानी। गाजीपुर के जमनिया में रात्रि विश्राम के बाद हमीद सेतु जेट्टी से बक्सर की तरफ रवाना हुए सैलानी। चितूर में जलीकट्टू पर्व मनाते वक्त दुर्घटना, 15 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी और विजिलेंस विभाग का ज्वाइंट ऑपरेशन, एयरपोर्ट से अलग अलग एयरलाइंस के 8 लोडर गिरफ्तार किए गए। प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा का पूर्वी चंपारण जिले में आज आखिरी दिन है, कल गोपालगंज में प्रवेश करेगी जन सुराज पदयात्रा। झांसी में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ राष्ट्रभक्त संगठन का प्रदर्शन, विरोध के दौरान पुतला फूंका गया। बेगूसराय में राष्ट्रीय जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। नालंदा में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, परीक्षा का करेंगे बहिष्कार। ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति मेले में भगदड़, 1 महिला की मौत हुई।
हल्द्वानी में खनन व्यवसायियों ने अपनी मांगों के लिए किया अनोखा प्रदर्शन, भीख मांगकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। पूर्वी वर्धमान में आज तक की खबर का असर, चाइल्ड सेंटर के लिए मिला रास्ता। राजस्थान में भीलवाड़ा महोत्सव में कैलाश खेर के कार्यक्रम में लगे मोदी मोदी के नारे, भीड़ ने बताया विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा का राजनीतिक तापमान। एम्स नहीं बनाने के बयान पर भड़के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर बोला हमला। नीतीश कुमार पर एम्स को लटकाने भटकाने का आरोप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आने से रोकने का आरोप लगाया। चंदौली में मकर संक्रांति पर आयोजित समरसता सहभोज, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह। देवरिया में अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्स ईयर 2023 के तहत मोटे अनाज का कृषि मंत्री ने किया खिचड़ी सहभोज का आयोजन। वही बिहार के शिक्षा मंत्री की विवादित बयान पर कृषि मंत्री ने टिप्पणी की, कहा कि जो काम ब्रिटिश हुकूमत में मैकाले ने किया था ये लोग वही काम कर रहे हैं। बाराबंकी में फिर चला बुलडोजर, भू माफिया और गैंगस्टर संजय सिंगला के करोड़ों की संपत्ति हुई जमींदोज। मुरैना पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया, लवजात के मामलों को लेकर जताई चिंता, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग देने की कही बात। सागर में केंद्रीय जेल से डॉक्टर आनंद राय की हुई रिहाई, सीएम शिवराज पर लगाए गंभीर आरोप, कहा आदिवासी विरोधी है शिवराज, जेल में यातनाओं का भी आरोप लगाया। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमन मंदिर में पहुंची सांसद हेमा मालिनी, पूजा अर्चना के बाद भजन पर बांधा समा, तीन भजन प्रस्तुत किए। रायबरेली में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ना सिर्फ बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर है बल्कि केवल झूठ ही गिनाने में सक्षम है। पीएम के बनारस में क्रूज की बात पर भी बोला हमला, कहा 17 साल पुराना है क्रूज और अब उसे नया बताया जा रहा है, क्रूज में बार भी है। वही डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर भी अखिलेश ने हंसते हुए चुटकी ली, कहा कि उन्हें मैं मुख्यमंत्री कैसे बना सकता हूं, कुर्सी और स्टूल में उन्हें फर्क ही नहीं पता। बैतूल में पूर्व सीएम कमलनाथ का शिवराज सरकार पर सवाल, कहा सस्ती बिजली देना या कर्ज माफ करने में मैंने कौन सा पाप किया या गुनाह किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बताया नाटक नौटंकी, कहा बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। उधर कोटा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक मिले हुए हैं पेपर लीक में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायण मेला 2023 प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, रिश्वतखोरों को पकड़वाने पर इनाम की घोषणा के बाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की आवाज। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेले का आयोजन, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। शिवहर में सांसद रमा देवी ने बांटे 400 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल। उधम सिंह नगर में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, मक्के की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास तेज किए। बागेश्वर के सरयू गोमती तट पर उत्तरायण के अवसर पर हुई भव्य सरयू आरती, लाखों दीपों से जगमगाया सरयू तट। राजस्थान के टोंक में मकर संक्रांति पर खेला गया अद्भुत खेल दड़ा, हजारों ग्रामीणों ने 80 किलो वजनी गेंद से की जोर आजमाइश, 200 वर्ष के इतिहास में पहली बार उमड़ा लोगों का हुजूम। प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला आज से शुरू, कुमाऊं की सुंदर झांकी और गढ़वाल की संस्कृति की झलक के साथ भव्य शुरुआत। गोरखपुर में आज से खिचड़ी मेला शुरू, गोरखनाथ मंदिर में आज मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व। झालावाड़ में मकर संक्रांति के मौके पर श्रीकृष्ण गौशाला की अनोखी पहल, 1100 गायों के लिए किया 56 भोग का आयोजन। कश्मीर के गुरेज में हिमस्खलन, कोई नुकसान नहीं, पहाड़ी से नीचे गिरते ही थमा तूफान। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद शीतलहर, पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी। जयपुर में करोड़ों की फिरौती मांगने वाली गैंग का पर्दाफाश, फर्जी पुलिसकर्मी बन किया कारोबारी का अपहरण। यूपी के बाराबंकी में तंत्र मंत्र से खजाना दिलाने के नाम पर की युवक की हत्या, तांत्रिक 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में मिली युवक की लाश, युवक का शव हत्या कर फेंके जाने की जताई जा रही आशंका।
टोंक में सवाईमाधोपुर विधायक की लग्जरी गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, बाइक सवार ने तोड़ा दम। उधर लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आया 1 लाख का इनामी बदमाश, फर्जी आधार कार्ड बनाकर रह रहा था ये। फतेहपुर में जिला अस्पताल में लड़की से छेड़छाड़, नर्सिंग स्टाफ पर लगा छेड़खानी का आरोप। दरभंगा के टाउन हॉल कैंपस में बने प्रदूषण केंद्र में लग गई भीषण आग। इंदौर में जन्मदिन पर तलवार से केक काटना पड़ा महंगा, आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क। दिल्ली में 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या, परिजनों ने पड़ोसी युवक पर लगाया रेप और दुष्कर्म का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में 17 साल की नाबालिग की तीर्थराज मुचुकुंद सरोवर में डूबने से मौत। नेपाली यात्रियों से भरी गाड़ी और कार में हुई जबरदस्त टक्कर, खाई में जा घुसी दोनों कार, एयरबैग खुलने से बाल बाल बचे यात्री। आरा में महिला से छेड़खानी के विरोध में मारपीट, कट्टा लहराकर धमकाते दिखा युवक, वीडियो वायरल। पीलीभीत में आबकारी के सामने शराब के ठेकेदारों में जमकर मारपीट, निकले तमंचे और धारदार हथियार।